5 मिनट में आपके चेहरे की काली परत को उतार कर रख देगा मेरा आज का ये DIY। बस इसे लगा लो और फिर देखो 101% रिजल्ट, मेरी श्योरिटी है 5 मिनट की। कौन कौन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और फटाफट से जाओ किचन में, रेमेडी देखो और अपने चेहरे पर लगा डालो। किसी भी उम्र के व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, जेंट्स हो, कोई भी हो, सब अप्लाई इसको कर सकते हैं। अगर आपकी 40 साल की उम्र है या 16 साल की उम्र है तो भी आप अपने चेहरे की रंगत को निखार सकते हो, काली परत को उतार सकते हो। गारंटी है, इस्तेमाल करो और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा शेयर करना मत भूलना यार, मैं आपका इंतजार करूंगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये फेस पैक की जरूरत हर लड़के हर लड़की को हर उम्र में हो सकती है। कोई भी उम्र वाला इसको लगाकर अपने चेहरे की रौनक को बढ़ा सकता है। साथ ही साथ जो बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करते टाइम इस बात का ध्यान रखें कि ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ली है लाल मसूर दाल। लाल मसूर दाल को अब हम ग्राइंड कर लेंगे ग्राइंडर में, मैं आपको ग्राइंड करके दिखाती हूँ। अब इस दाल को हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। इसको हम पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, पाउडर बना लेंगे ताकि इसको हमेशा के लिए यूज कर सकें डेली, इसको बार बार बनाने का प्रॉब्लम ना रहे। ये अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं प्रॉपर इसका पाउडर बन के। जो मैं ये दाल यूज कर रही हूँ, मसूर दाल, लाल मसूर जो होते हैं, लाल मसूर आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करते हैं। आपके पोर्स में जितनी भी डस्ट होती है, गंदगी होती है, उसको साफ करते हैं। पिगमेंटेशन को इतने बढ़िया तरीके से हटाते हैं ना, एकदम पील ऑफ कर देते हैं, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करते हैं। अब हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है इसमें 4 आलमंड्स। आलमंड्स हमारी स्किन को बहुत अच्छे से पोषण देते हैं, आपकी स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं और आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आते हैं। अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, पिंपल एक्ने, झाइयों की समस्या है ना, तो मतलब आलमंड्स आपके लिए वरदान का काम करेंगे। आपकी स्किन को बहुत बहुत जरूरत होती है आलमंड्स की। और ये मैं आर्टिफिशियल वाला, मार्केट वाला नहीं ले रही इसलिए, क्योंकि उसमें प्योरिटी का आपको नहीं पता, इसलिए हम प्रॉपर आलमंड्स लेंगे और उसी को यूज करेंगे। इसके लिए लेना है हमें मामदस्ता। आलमंड्स लेने के बाद इसको मामदस्ते में हमें कूट लेना है। गाइस आप देख सकते हैं आलमंड पूरी तरीके से पिस चुके हैं, कूट दिया है मैंने इनको। अब इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब आलमंड्स को जो कूटे हैं इसको मैंने एक बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच पिसे हुए लाल मसूर पाउडर, आप इसमें ऐड कर लीजिए। अब हमें इसमें ऐड करना है 1 चम्मच देसी घी। गाइस आप देसी घी की जगह कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कॉस्टली लगता है। और साथ ही साथ अगर आप आलमंड्स और देसी घी का इस्तेमाल अपनी लाइफ में ज्यादा कर देना तो वैसे भी आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है वेट लॉस के चक्कर में, हम लोग घी नहीं खाते, अवॉइड करते हैं, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, बट ऑनेस्टली मक्खन आपका फैट बढ़ाता है। देसी घी अगर आप खाना शुरू करेंगे तो आपकी स्किन पे बहुत ग्लो आ जाएगा, एक अलग सा ही निखार आ जाएगा। और ऐसे ही रात को आलमंड्स भिगोएं और सुबह उसको चबा चबा के खाएं तो देखिएगा आपकी स्किन का ग्लो कितना अच्छा हो जाएगा। अब इन तीनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अपना 4th इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे, रोज वाटर 1 स्पून, और इसको एक स्मूथ पेस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। इस तरीके से इसको एक बॉडी मिल जाएगी और आपके फेस पे ये इजीली अप्लाई हो जाएगा। कैसे अप्लाई करना है मैं आपको वो दिखा देती हूँ अपने फेस पे अप्लाई करके। और प्लीज गाइस मेरी इस रेमेडी को ट्राई जरूर करिएगा, बहुत बहुत इफेक्टिव होने वाली है रेमेडी। और एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दो, मेरे चैनल पर फेस की एक्सरसाइजेस है जो आपके चेहरे की रौनक रंगत को बहुत निखार देगी, बढ़ा देगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूंगी, वहां जाके चेक कर लेना। अब इसको लगाना कब है, घर पर आना है, फेस वॉश करना है। फेस वॉश करने के बाद आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई करना है 15 से 20 मिनट मिनिमम। अगर आप इसको मैक्सिमम 25 मिनट के लिए अप्लाई कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो आपको कहूंगी कि अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा बच गया है तो उसको अपने बॉडी पे इस्तेमाल कर लें, लेकिन डेली आपको इसको फ्रेश ही बनाना है, रोजाना इस्तेमाल करना है सोने से पहले। डे टाइम में मत करिएगा क्योंकि इससे आपको स्वेट होगा, स्वेट से आपकी स्किन ब्लैक लगेगी, पोर्स क्लोज हो जाएंगे। इसको लगाने के बाद आपके चेहरे पर जो भी निखार आए, जो भी रिजल्ट आए ना, प्लीज मुझे शेयर करना मत भूलना। आपको ऐसा डेली करना है 15 दिन तक, और उसके बाद देखो सब पार्लर वार्लर सब भूल जाओगे। हल्के हल्के हाथों से मसाज करें।
मसाज करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें। आप इसको अपने नेक पे भी लगा सकते हैं, मैं तो लगाऊंगी जरूर क्योंकि मुझे अपनी गर्दन पे भी प्यारा सा ग्लो लेकर आना है। अब 15 मिनट बाद इसको आप अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो गाइस देख सकते हो ना चेहरे की रंगत 5 मिनट में बिना लाइट इफेक्ट के। तो बस यार देरी किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक और जमकर शेयर तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना। व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक कहीं भी इस वीडियो को शेयर करो यार, बट शेयर करना बनता है क्योंकि इतना इफेक्टिव DIY जो बताया है मैंने। तो अगर आपके घर में शादी हो, पड़ोस की शादी हो या खुद की शादी हो, बस टेंशन नहीं लेना, इस फेस मास्क को लगाना शुरू कर देना तो अपने चेहरे का अपने आप ग्लो वापस आ जाएगा। इसके साथ साथ पानी खूब सारा पियो और डाइट हेल्दी लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।